हेलो गाइड्स, हम आपको अलजबरा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके अलजबरा से संबंधित हैं और उनके पार्ट से संबंधित हैं, जो आपके एग्ज़ाम में अलजबरा 18 नंबर की आएगी। इसलिए ध्यान दें, आप क्वेश्चन आपके सामने है, इम्पोर्टेंट भी है और आपके एग्ज़ाम में 2019 में आएगा। क्वेश्चन ज़रा ध्यान दें, 51 को ऐसे दो भागों में बांटिए या भागों में बांटो कि उनका गुणनफल 378 हो। उनका गुणनफल 378 हो। आंसर में या सलूशन में लैट जो हमने माना है, या लैट भी कह सकते हैं, क्या माना है देखिए। फर्स्ट भाग हमारा क्या है, x, क्योंकि कह रहे हैं कि दो भागों में बांटना है। सेकंड भाग क्या है हमारा, 51 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार, मतलब जो प्रश्न में हमारे दे रखा है, ज़रा ध्यान दें, जो हमारे प्रश्न में दे रखा है, पहला भाग और दूसरा भाग। तो क्वेश्चन में आपके दे रखा है दो भागों में आप बांटेंगे, दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 378 के बराबर है। तो दोनों का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दी, और उसका जो गुणनफल जो निकल के आएगा वो किसके बराबर है, 378 के। अब ज़रा आप ध्यान दें, इसकी गुणा जब आप इससे करेंगे तो 51x माइनस इसकी गुणा इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 378। इसको आप सेट कर लें या क्रम में लिख लें, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का, ये इधर आएगा तो माइनस का, प्लस 378 अपनी जगह रहेगा बराबर 0। अब ज़रा ध्यान दें, हम आपको पिछली वीडियो में समझा चुके हैं और बार बार बता रहे हैं कि अलजबरा के जो भी आपके फैक्टर हैं या गुणनखंड हैं, इनके बिना आपका क्वेश्चन अलजबरा से रिलेटेड जो भी है या उसके पार्ट से, वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे अगर आप फैक्टर नहीं करेंगे। हम पिछली वीडियो में आपको फैक्टर समझा चुके हैं, बता चुके हैं, ज़रा पिछली वीडियो आप पढ़ते रहें। आगे आप देखिए, जो आपका फैक्टर है 378 को ऐसा तोड़ो, गुणा करने पर 378 आए, जोड़ने या घटाने पर 51 आए। हम देखो दोबारा कह रहे हैं आपसे, ये आपका फैक्टर है या गुणनखंड है, 378 को ऐसा तोड़ो, 378 की ऐसी गुणा करो कि गुणा करने पर आपके 378 आए, जोड़ने या घटाने पर आपके क्या आए, 51 आए। हमने किस में तोड़ा है, 42 और 9 में, दोनों की आप जब गुणा करेंगे तो 378 आपको मिलेगा। दोनों को आप जोड़ देंगे मतलब माइनस में, तो आपका माइनस का 51 मिल जाएगा। और पूरे को हम सेट करके या क्रम से लिख रहे हैं, देखिए जरा आप, एक्स स्क्वायर माइनस 42, इसको हम तोड़ के लिख रहे हैं, 42x माइनस 9x, दोनों को जोड़ोगे तो आपका 51x तो होगा, 378 आपका ऊपर दे रखा है, जैसे का तैसा लिख दिया है बराबर 0। अब जरा आप ध्यान दें, जहाँ तक अंटर लेंथ कर रखी है हमने, वहाँ से और यहाँ से लेके यहाँ तक अंटर लेन जो कर रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक्स निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा आपका, एक्स माइनस 42, और यहाँ से आप माइनस का 9 निकालेंगे तो अंदर आपका क्या बचेगा, एक्स माइनस 42 बराबर 0। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम आपको बार बार समझा रहे हैं, ये पार्ट अगर आपके बराबर नहीं आए तोड़ने के बाद और कॉमन लेने के बाद, तो समझ लेना कि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर गलत है। ज़रा ध्यान दें, हम आपको दोबारा बता रहे हैं, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट अगर आपके बराबर नहीं आ रहे हैं गुणनखंड करने के बाद और कॉमन लेने के बाद में, ये वाले मान अगर आपके बराबर नहीं आ रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं पर गलत है। यहाँ से ये वाला मान और ये वाला मान कॉमन है, एक जैसा है, बाहर आ जाएगा, ये बचा आपका और ये बचा, बराबर किसके होगा, 0 के। एक बार इसको रखेंगे 0 के बराबर तो आपको मिलेगा x बराबर 42, एक बार इसको आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x बराबर 9। अब ज़रा आप ध्यान दें, फर्स्ट भाग या पहला भाग, इन दोनों में से आप एक मान ले लोगे तब भी आपका हो जाएगा। तो पहला भाग क्या है हमारा, 9, और दूसरा भाग क्या है हमारा, 42। अब ज़रा ध्यान दें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन वो हमसे कह रहा है कि 51 को ऐसे दो भागों में बांटो कि उनका गुणनफल 378 हो। उनका गुणनफल, थोड़ा हम रफली काम आपको बताना जा रहे हैं, ज़रा ध्यान दें।
42 की गुणा जब आप 9 से करेंगे तभी तो आपका गुणनफल निकल के आएगा। तो 9 दूनी 18 के 8, 9 चौक 36 और 37, तो 378 हो गया। तब आप कह सकते हैं जांच विधि के अनुसार कि आपका क्वेश्चन सही है, जो आप एग्ज़ाम में जांच सकते हैं। ज़रा दोबारा देखिए, हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, ज़रा ध्यान दें। 51 को ऐसे दो भागों में बांटिए या बांटो कि उनका गुणनफल कितना रहे, 378 रहे। तो हमने क्या मान लिया है आपके आंसर या सलूशन में, पहला भाग x है, दूसरा क्या है 51 माइनस एक्स, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में दे रखा है। जो भी हमने पहला और दूसरा भाग माना है क्वेश्चन के हिसाब से या प्रश्न के हिसाब से, दोनों को गुणा में लिखा है, बराबर किसके रहेगा 378 के, ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है। आगे आप देखिए, जब इसकी आप गुणा करेंगे तो आपको ये मिलेगा बराबर ये, इसको आप क्रम से रखेंगे या ऑर्डर में रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का, ये अपनी जगह रहेगा बराबर जीरो। हम दोबारा बता रहे हैं, पिछली वीडियो में आपको समझा चुके हैं कि फैक्टर के बिना आप अलजबरा के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने जो पिछली वीडियो कराई है फैक्टर वाली, आप ध्यान से फैक्टर देखते रहें और पढ़ते रहें। आगे आप देखिए, जो हमने इसको तोड़ा है और रूल ये है कि इसकी ऐसी गुणा करो कि गुणा करने पर इतना आए और जोड़ने घटाने पर 51 आए। तो 42 और 9 की गुणा करेंगे आप तो ये मिलेगा, दोनों को आप जोड़ देंगे माइनस में तो आपका 51 माइनस में मिल जाएगा। जहाँ तक अंटरलाइन है ये और ये, इसमें से कॉमन निकालेंगे ये बचेगा, इसमें से कॉमन निकालेंगे ये बचेगा बराबर जीरो। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक निकल जाएगा। हम आपको दोबारा बता रहे हैं, ये वाले पार्ट अगर आपके सेम या बराबर नहीं आ रहे हैं तो आपका आंसर कहीं ना कहीं पर गलत है। ये वाला पार्ट निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका x माइनस 9 बराबर जीरो। एक बार इसको रखेंगे जीरो के बराबर, ये हो जाएगा मतलब x बराबर 42। एक बार इसको रखेंगे जीरो के बराबर तो आपको हो जाएगा x बराबर 9। तो आपको पहला भाग और दूसरा भाग क्या मिलेगा, 42। अब ज़रा आप ध्यान दें, हमारे क्वेश्चन में वो कह रखा है कि जो भी भाग निकल के आएंगे अगर उन दोनों की हम आपस में गुणा कर दें तो हमारा कितना आना चाहिए, 378। अगर आप दोनों गुणा करें तो आपको 378 मिल जाएगा। यही जांच विधि है जो एग्ज़ाम में आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। जिसको वीडियो सही व ठीक लगे वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।